F to this laptop. अबे यार सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है. इसको बुरा बड़ा बोला है, इसको मैंने मारा है और अब ये ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं दे रहा. अब लॉ जो एडिटिंग की थी वो भी गई, जो क्लिप्स बनाए थे वो भी गए, डाटा भी गया. नेपाल पे जो ये दोबारा जिंदा हो गया है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग. यार आज बड़ी नींद आ रही है, कसम से आज बड़ी नींद आ रही है. तो सहरी का टाइम हो चुका है, तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि भाई किचन में क्या हो रहा है. देखते हैं ये भी आया. नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं फजर की. अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा कुरान पाक, और कुरान पाक पढ़ने के बाद भाई अभी हमें एडिटिंग भी करनी है. ओके जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुरान पाक पढ़ लिया है, और वेट अ मिनट, यूं करके करेंगे लैपटॉप को ऑन, क्योंकि तो सा काम रहता है उसको मुकम्मल कर लो. लोग छत पे चलेंगे, छत पे जाके थोड़ी सी फ्रेश हवा लेंगे. A few inches later. एक्चुअली मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा, मैं ऊपर आ गया था. मैंने बोला चलो ड्रोन उड़ाते हैं, तो अभी मुझे फिर नीचे जाना है और अभी एडिटिंग करनी है. अभी उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो करके सोऊंगा तब सुबह के सारे टास्क कर सकूंगा. सो हमें एडिटिंग करनी है. अभी जो है ना मैं नीचे आया हूँ. अच्छा जी, तो अभी क्या है ना कि मैं अपना लैपटॉप लेके बेड पर आ गई, क्योंकि उस चेयर पे मेरा कमर यार खीट दर्द करना शुरू हो गई थी, मुझसे वहाँ पर बैठे नहीं जा रहा था. तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना बेड पे लेकर इसको बैठ जाऊँ, तो यहीं पर एडिटिंग कर लेती है थोड़ी बहुत. अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझसे लिखवा लें कि मैंने ये एडिटिंग करते करते सो जाना इधर ही, और लैपटॉप भी इधर ही रह जाना है. और मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, दोपहर बखैर. जैद थोड़ा सा जल्दी उठाया गया 3 बजे. Wait a minute. क्योंकि शायद घर वालों को कुछ सामान लेने जाना है. चलिए जल्दी से उठते हैं, उठ के थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलते हैं. तो मैं होके आ गया हूँ फ्रेश, मुंह धो के आया हूँ. तो अभी हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए जाहिर सी बात है यूँ तो जाया नहीं जा सकता, तो इससे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा. आपको टिकटॉक की दूसरी ट्रिक दिखाना कहूँ, मैं यूँ करूँगा तो कपड़े चेंज होंगे. सो चेंज हो गया, और अभी हमें क्या करना है कि भाई मास्क भी पहन लेना चाहिए करके हम पहनेंगे मास्क को. ओके, मास्क चेक. ओके, नीचे शूज भी पहन लिए. ओके हो गया, अभी सिर्फ हाथों पे ग्लव्स रह गए हैं. ग्लव्स पहन के तो निकलते हैं. तो ग्लव्स चेक, ग्लव्स भी पहन लिए, दूसरे वाले ख़त्म हो गए थे तो इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा. और अभी टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि मैं 3 बजे उठा हूँ, तो उठते उठते मुझे तकरीबन 3:40 हो गए हैं, तो 5 बजे तक सिर्फ टाइम है. तो जल्दी जाना और जल्दी वापस आना.
अच्छा जी, तो सामान वगैरह ले लिए और सामान ले लिया, और अभी यहाँ से सामान लेके हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया टाइम, तो घर चलते हैं। मैं आ गया हूँ घर और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ इहू एंड पीहू से। ये देखें जी, ये है टैडी बदतमीज़, ये है इहू, नहीं सॉरी, ये पीहू है और वो इहू है, ये मेल है ये फीमेल है। टैडी ये बड़ा बदतमीज है, टैडी ये देखें हमारा इहू, टैडी ये नए आए हैं घर में, वो देखें आराम से जाकर बैठ गया, और एक ये इहू इहू। अभी इनके नाम जो है वो टेम्परेरी हैं, ये कोई इनके वैसे ही हमने मजाक मजाक में नाम रख दिए हैं इहू एंड पीहू। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज गए हैं, अभी नहाना है, तो नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, अभी नमाज भी पढ़नी है असर की, तो उठते हैं और चलते हैं जल्दी से। वेट अ मिनट, मैं तो नहाने आया हूँ, आप क्या करने आए हो? चलो बाय। One eternity later. Back जी, मैं आ गया हूँ जो है असर की नमाज पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह नहा भी लिया था मैंने। तो अभी भाई बहुत ज़्यादा वाला काम है, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 5:20 हो गए हैं, पीछे भी अफ्तारी में टाइम है काफ़ी, लेकिन हमें क्या करना है कि मैं कल सो गया था सुबह, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं सो जाऊंगा, तो वैसा ही हुआ। तो अभी पीछे पड़ा हुआ है काम ताकि आप लोग देख सकें, तो अभी मैं वही करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग किचन में जाएंगे, किचन का हाल आपको दिखाएंगे, फिर हम छत पे जाएंगे, देखे कहते हैं कि छत का क्या सूरत हाल है, क्या मौसम है आज। वैसे तो आज थोड़ा सा मौसम गर्म ही था। तो आज की एडिटिंग का सेशन हो गया ख़त्म, अभी जो है वो ये रेंडर होगी तो इसको हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं छत पे, छत का थोड़ा सा हाल देख रहेंगे। और भाई ड्रोन उड़ाने का मुझे सिर्फ आना चाहिए। तो जी, इस छत के हालात ये हैं कि ऊपर जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हमेशा की तरह रोज़ाना ही मौसम ठंडा हो जाता है। सो गुड़ियाँ शुड़ियाँ चढ़ रही हैं, ड्रोन उड़ा के इन पर डराते हैं। आने का मजा आया है, मतलब आजकल सीन ये हो रहा है कि पुलिस वाले जो है वो ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, जो गुड़ियाँ वगैरह चढ़ाते हैं ना उनके खिलाफ, मतलब वो फिर भागते हैं। तो मैंने ये किया कि मैं ना ड्रोन लेकर गया उनके पास पास और उनको मैंने अच्छा खासा भगाया है। विजिबल वाला टाइम हो गया 6:20 हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाकर किचन के कुछ हाल अहवाल देखे जाएँ कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, आज क्या पकड़ा है। तो विदाउट एनी डिले चलो भाई चलते हैं नीचे, वैसे मौसम बहुत ही स्वादिष्ट मज़े वाला है। घर वालों आज क्या बन रहा है? फ्राइज बन रही है, और नीचे किचन में जो है वो फ्राइज तैयार हो रही है, और फ्राइज आ रहा हूँ, तू आ जा, मैं वीडियो बना रहा हूँ माँ ये, तू आ जा। तो खैर किचन में सारा काम हो गया, चाट वगैरह बन गई है, और आज फ्राइज बन रही है, फ्राइज भी बन गई है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब दस्तरखान पे। चलो जब तक अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं आती, आप लोगों को एक सच बताता हूँ, पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, बिजली आ रही है, सब मदद से बैठे हैं, सबको लगता है कि बिल नहीं आएगा, हालांकि बिल आएगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, मीटर चालू होगा, मीटर चालू होगा, घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, तुम दरवाज़ा खोलोगे, दरवाजे के नीचे बिल पड़ा होगा 1,00,000 रुपये का, और उसके ऊपर लिखा होगा ये तो होगा। पंद्रह मिनट रह गए रोजा खुलने में, ज्यादा हो गई।
जी तो हवा तीनों हजरत मौलवी साहब आ गए हैं नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताएं कि आगे क्या किया जाए, अफ्तारी भी हो गई है, सहरी का रह गया सिस्टम, तो अभी क्या किया जाए मुझे बताया जाए आप ज़रा। तो हम मौलवी के थोड़े से सेशन से बाहर आते हैं और साथ ही जो है ना भाई देखते हैं कि अभी हमें करना क्या है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग जाहिर सी बात है थोड़े से कमेंट्स चेक करेंगे, कमेंट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो सवाल जवाब आए हैं भाई। अच्छा जी कि ज़रा अब मज़ा आएगा। तो अच्छा यहाँ पे जैन भट्ट हैं और ये क्या पूछ रहे हैं, आपको भी मुबारक। अच्छा भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं खैर मुबारक, ओके पोस्टेड। मैंने सवाल क्या पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हम दोनों में एज डिफरेंस कितना है सच बोलना। क्वेश्चन नंबर 2, टिकटॉक किसके कहने पे या किससे इंस्पायर होके बनानी स्टार्ट की है। अच्छा फेवरेट टिकटॉकर कौन सा, बॉय एंड आल्सो वन गर्ल। तो जैन भट्ट साहब आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। तो ज़रा ना आपके अगर आपके पास कोई कुर्सी या मेज़ है तो उसके ऊपर बैठ जाए, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको यकीनन धचका लगेगा और आप गिर जाएंगे। सो प्लीज़ आप बैठ जाएं क्योंकि आप मेरे प्यारे से भाई हैं। ओके सो सबसे पहले जैन भट्ट जो है वो मेरा हम एज है, इतना डिफरेंस है कि हम में से एक सुबह हुआ है और एक रात को हुआ है, बस इतना सा हमारे अंदर जो है वो कुछ चंद घंटों का एज डिफरेंस है। एम आई राइट जैन? सवाल है आपका, टिकटॉक किसके कहने पे स्टार्ट किया और किन से इंस्पायर होके बनानी स्टार्ट की। वेल मैंने टिकटॉक जो है वो अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, मुझे खुद ही पर्सनली जो है वो वीडियो एडिटिंग और इस तरह की सारी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे मज़ा आता है ये चीज़ें करने का, समझ लो एक पैशन है ये वीडियो एडिटिंग और वगैरह वगैरह ये सब कुछ करने का। सो मैंने सोचा कि यार क्यों ना टिकटॉक पे भी जो है वो इस तरह के कुछ अपने स्किल्स को पॉलिश किया जाए जो मेरे अंदर हैं। इंस्पायर मैं किसी से नहीं हुआ और ना ही मैं यहाँ पे किसी का नाम लूँगा, मैं खुद से खुद ही इंस्पायर होता हूँ। अगर मैं काम अच्छा करूँ तो मैं इंस्पायर होकर मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं ना अच्छा करूँ तो फिर भी मैं खुद को समझाता हूँ कि अच्छा कर। फेवरेट टिकटॉकर कौन सा, वन बॉय एंड वन गर्ल। यार मतलब काफ़ी मुश्किल सवाल है ये कि फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है, फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है। 2 hours later पे मुझे जिसकी वीडियो अच्छी लगे, जिसने काम अच्छा किया हो, जो दिल को छुए, वो फेवरेट होता है मेरा। ठीक है तक गर्ल की बात है तो ये तो भाई सारी की सारी हुई वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, अरिका हक ये नहीं मैं बोलूँगा, उसके बाद रुमाइसा ये भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि ये तो सब की ही होती हैं, तो सब में तो हमें फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। एक फेवरेट टिकटॉकर है मेरी जेब चू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है। वेल उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं और वो काफ़ी अच्छी जो है वो वीडियोस बनाती है। उसके अलावा हफ्जा है, लाइब बेबी है, ये अच्छा काम करती हैं, मैं पर्सनली दिल से बता रहा हूँ। इसके ऊपर मुझे कोई गलत कमेंट्स नहीं आने चाहिए, या अगर मुझे किसी का मैसेज आया ना आ जाओ भाई सीधे हो जाओ तो फिर देखना जैन। तो जैन मियाँ मैंने आपके जो है वो सवालों के जवाब दे दिए हैं, अगली दफ़ा सवाल मजीद जो है ना कड़वे लेकर आना ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। सो अगेन रीड, और अभी हम आपको देंगे एक टिप। टिप ये है कि काइंडली अपने घरों से बाहर ना निकलें, ना सोचें कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दी जा रही है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सारा सारा दिन ही घरों से बाहर रहें। क्योंकि आज मैं गया हूँ घर से बाहर और मैंने देखा सामान लाते वक्त कि मुझे कहीं पर ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा एरिया लॉकडाउन था। सीरियसली लोग जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं बाज़ारों में, हालांकि बाज़ार बंद हैं लेकिन वो फिर भी जा रही हैं, पता नहीं क्या करने जा रही हैं। मर्द जा रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं, बाइक्स पर घूम रहे हैं, डबल सवारी भी ओपन है, मतलब कोई यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। सो ये थोड़ा सा घर में रहो, घर में बनाओ और घर का खाओ ताकि आप लोग ठीक ठाक रह सको, क्योंकि केसेस 13,000 से ऊपर चले गए हैं पाकिस्तान में। कुछ तो ख्याल कर लो पाकिस्तानियों, कुछ तो ख्याल कर लो। सो ख्याल करने के साथ साथ ही आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। यार मैं बस थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ
और मुझे यकीन है कि मैं आपको बोर भी करता होऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बोर ना करूँ। लेकिन अगर आप लोग बोर होते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि देखने वाला बोर हो रहा है तो मैं कुछ बस ख़त्म करते हैं इसको आज यहीं पर, क्योंकि मुझे एक्टिव रहना है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारा रायता बखेड़ा हुआ ये दिखाता हूँ। तो होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वन में, अल्लाह हाफिज़।